सब यहाँ? देखा देखा मेरे रब, मैंने कहा था ना कि जेठालाल क्लब हाउस सबसे पहले पहुंच नहीं सकता है। आप पहुंच गए? हम लोग घर से जल्दी निकला था, फिर भी क्लब हाउस नहीं पहुंच पाया, उसके पीछे रीजन है। क्या रीजन है? सबसे पहले मैं था बाहर आया। हमारा ये रीजन है। अभी तुम बोलो, तुमको घर से निकलने में लेट क्यों हो गया? अभी तो चाचा जी भी घर पर नहीं है। अरे बापूजी घर पे नहीं है, लेकिन टप्पू तो घर पे है ना। अब बार बार टप्पू को क्यों बोल रहे हैं अय्यर भाई? एक बात बताइए, आप टप्पू को हमारे घर का सदस्य मानते हैं कि नहीं मानते? जेठालाल अब छोड़ो ये सब, देखो रास्ता साफ है, फटाफट क्लब हाउस पहुंचते। तेरी टप्पू जरा कंपाउंडिंग की कर रही है। ये लोग क्लब हाउस में तो नहीं जा रहे हैं? अरे नहीं, वो मेरे घर पे जा रहे हैं। वो देखो गए। लेकिन ये तुम्हारे घर पे क्यों गए? अरे टप्पू ने उन सबको बुलाया कोई प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। अच्छा अच्छा, चलो मैदान साफ है, जल्दी निकलते हैं। चलो मैदान साफ। एक मिनट, मैं क्या कहता हूँ, एक साथ में नहीं जाते, एक एक करके जाते हैं। क्या कि एक साथ में गए और किसी ने देख लिया तो जवाब देना भारी पड़ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं जाता हूँ। तुम क्यों? अरे तुम सबसे लास्ट में आया है और सबसे पहले जाएगा? इल्ला इल्ला, जो सबसे पहले आया है वही सबसे पहले जाएगा। गो। नो मेहता साहब, नो। अरे अय्यर भाई आप समझ नहीं रहे, मेहता साहब गए और न करे नारायण, वो अंजलि भाभी किसी काम से बाहर आए तो मेहता साहब फंस जाएंगे। और सिर्फ मेहता साहब नहीं है, आप सबके साथ भी हो सकता है, लेकिन मेरे साथ नहीं हो सकता है क्योंकि बापूजी घर पे नहीं है और टप्पू सेना के साथ प्रोजेक्ट करने में बिजी है। तो मेरे घर से बाहर निकल के मुझे सवाल करने वाला कोई नहीं। लेकिन जेठालाल, ये शांत हो जाओ, चिता भाई को जाने दो। हाँ जाओ जाओ। चिती चिती और सुनो, जैसे ही मैं ऊपर पहुंचू उसके बाद कोई एक और निकल जाना। हाँ, और फिर वो ऊपर पहुंचे उसके बाद एक और निकल जाना, यही क्रम में एक एक करके निकलते जाएंगे और पहुंचते जाएंगे। ठीक है? क्या हुआ जेठालाल, तुम वापस क्यों आ गया? अरे मैं आपको बोल रहा हूँ पीछे जाओ, पीछे क्यों कर रहे? बोल रहा हूँ पीछे जाना चाहिए ना। अरे फिर भी तुम वापस क्यों आ गया? अरे क्लब हाउस के दरवाजे पे ताला है। मतलब भेड़े अब तक क्लब हाउस नहीं पहुँचा? नहीं, पीड़ू इतने नहीं है, क्लब हाउस भी नहीं है, तो पीड़ू है कितने? पता नहीं, फोन करो फोन करो। एक मिनट, भिड़े मास्टर अगर घर पर हुआ तो की? अरे हमने भिड़े मास्टर को फोन किया और माधवी भाभी उसके आसपास हुई तो फोन पे बात नहीं कर पाएगा। हाँ। अरे लेकिन क्लब हाउस की चाबी उसके पास है, जब तक वो नहीं आएगा हम क्लब हाउस नहीं पहुंच पाएंगे। ओए लगाओ जी लगाओ, पीड़ू को फोन लगाओ, नहीं तो इतने खड़े खड़े साढ़ा फर्स्ट अप्रैल खत्म हो जाना है। घर से बाहर जाने का कोई बहाना मिल नहीं रहा है, लेकिन फिलहाल यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा नहीं तो माधवी को शक हो जाएगा।
हाँ बोलो जेठालाल। अरे पीड़े कहाँ है तू? अरे मैं यहाँ फंस गया हूँ। ओए पीड़ू तू कितने फंसा है, वो सानू लोकेशन दस, वो हम आके वहां से तुझे निकालते हैं। अरे सोड़ी मैं जहाँ पे हूँ ना वहाँ पे तुम लोग नहीं आ सकते। वो है ना कि मैं मेरे खुद के घर में फंसा हूँ। तू फंस गया हूँ ऐसा क्यों बोला? अगर घर पे हो तो फटाफट निकलो ना। नहीं निकल सकता ना मेहता साहब, माधवी की सहेली किसी भी वक्त घर पे आ सकती है। वो तो माधवी भाभी से मिलने आ रही होगी ना। नहीं मुझसे मिलने आ रही है। माधवी भाभी की सहेली तुझसे मिलने आ रही है? माधवी भाभी को पता है? ए, ए, माधवी ने बुलाया उसे। हाँ एक्चुअली माधवी की सहेली का जो बेटा है ना उसको करियर गाइडेंस चाहिए मुझसे, इसलिए वो मिलने आ रहे हैं। तुम कोई बहाना बना के निकलो। हाँ निकलो निकलो। अरे नहीं ना मेहता साहब, मैं यही बहाना देने वाला था कि मेरे दोस्त को उसके बेटे के करियर गाइडेंस के सिलसिले में मुझसे बात करनी है, तो मैं जरा मिल के आता हूँ। नेम की यही बात माधवी ने बोल दी, अभी ये बहाना तो मैं नहीं दे सकता ना। अरे तो कोई और बहाना बना के निकलो, लेकिन निकलो। अरे मुझे और कोई बहाना सूझ ही नहीं रहा है जेठालाल। अरे क्या बात कर रहा है भिड़े, तो शिक्षक है, शिक्षक लोगों के पास तो होलसेल में बहाने होते हैं। क्या मतलब? अरे मेरा मतलब है सब विद्यार्थी शिक्षक के पास अलग अलग बहाने बनाते हैं ना, तो उसमें से जो भी तुझे पसंद आए कद वो बहाना तू वापर ले। अरे ये छोटे बच्चों वाले बहाने माधवी के सामने नहीं चलेंगे, उसको शक हो जाएगा। अरे तो एक काम कर, तू अपने फोन में मेरा नंबर है ना बबलू के पापा के नाम से सेव कर ले। क्यों? अरे मैं बोलता हूँ उतना करना भाई। फिर आगे क्या करना है? इसके बाद ठीक है, समझ गया? हाँ हाँ समझ गया, तुम दो मिनट बाद कॉल बैक करना। हाँ ओके। बबलू के पापा। अरे आप कब बाहर आए? परेशान होके बाहर आ गया मैं। किससे? मैं तो कब से बाहर ही हूँ। मजाक 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 कर रही हूँ। काय जलो बोला? कुछ नहीं, वो एक मेरा स्टूडेंट है बबलू। हाँ। उसके पिताजी ने बार बार फोन करके परेशान कर दिया मुझे। क्यों, क्या हुआ? अरे वो कह रहे कि उनके बेटे को समझाना है, अभी के अभी उनका बेटा एग्जाम देने के लिए मना कर रहा है। उसकी एग्जाम अभी है रात को? नहीं अरे एग्जाम तो कल ही है माधवी, लेकिन समझाने तो अभी जाना पड़ेगा ना। नहीं नहीं लेकिन ऐसे कैसे जा सकते हैं अभी, मेरी फ्रेंड आ रही है ना। वही तो मैंने उनको वही बोला कि मुझसे कोई मिलने आ रहा है, उनको करियर गाइडेंस चाहिए। वो क्या है? तो बोले कि करियर तो बाद में आता है ना, एग्जाम तो कल ही है। ए, देखो फिर से उन्हीं का फोन है। आप मना कर दीजिए उनको। अरे मैं बार बार मना कर चुका हूँ माधवी, मान ही नहीं रहे। एक काम करो, तुम बात करो और बोल देना कि मैं सो गया हूँ। मैं कैसे बात करूँ? हेलो हेलो, जरा भिड़े भाई को फोन दीजिएगा। वो सो गए हैं? क्या काम है आपको? बहुत अर्जेंट काम है, उनको जगाइए। क्या काम है? देखिए कल बबलू की परीक्षा है और बबलू कह रहा है कि हम परीक्षा देने नहीं जाएंगे, हमारे साथ जबरदस्ती करेंगे तो हम घर छोड़कर भाग जाएंगे। अरे बाप रे। हाँ अब बताइए, एक तरफ बबलू की मार हो रही है। चुप हो जा बबलू की माँ, चुप हो जा। और एक तरफ बबलू रो रहा है। ए, देखो अभी बबलू का 6 महीने का छोटा भाई रोने लगा है। तू काहे रो रहा है बेटा, तेरे को क्या इससे लेना देना? बेटा शांत हो जा, बेटा शांत हो जा। सगळेच रडतायत। अब देखिए
हमको भी रोना है, लेकिन हम रो नहीं सकते क्योंकि हम बबलू के बाप हैं। और अगर हमने भी रोना शुरू कर दिया तो इस परेशानी का हल कौन निकालेगा? देखिए, मैं समझ सकती हूँ। इसीलिए देखिए बहन जी, हम आपको हाथ जोड़ के विनती करते हैं, 10 मिनट के लिए बीड़े मास्टर को हमारे घर भेज दीजिए। हमको पूरा यकीन है अगर बीड़े मास्टर बबलू को समझाएंगे तो बबलू परीक्षा देने जरूर जाएगा। हम आपसे विनती करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, आपके पैर पड़ते हैं, देखिए प्लीज भेज दीजिए प्लीज। अरे नहीं नहीं, पैर पड़ने की जरूरत नहीं है, मैं समझ चुकी हूँ, मैं इनको भेजती हूँ। धन्यवाद बहन जी, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान आपको हमेशा हंसता रखे, भगवान हमेशा आपको हंसता रखे। थैंक यू। सुना ना आपने, उनको आपकी जरूरत है, जाइए बरा। हाँ लेकिन तुम्हारी सहेली मुझसे मिलने आ रही है ना अभी। ओ, उसका फ्यूचर का प्रॉब्लम है, ये प्रेजेंट है। ठीक है, अभी तुम कह रही हो तो ठीक है, जाते। माधवी कितनी भोली हो तुम, खुद अप्रैल फुल बनने के लिए मुझे बाहर भेज रही हो। क्या चलो? सॉरी। नहीं मतलब मेरी वजह से वो सहेली को मना करना पड़ा ना। सुदे हो जा तू भी। सकरम को हटाना पड़ेगा, तुम आदि को शक हो जाएगा। अरे बाप रे, लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तू बता, तू सखारम लेकर कहाँ भाग रहा है? अरे भाग कौन रहा है जेठालाल, मैं तो सखारम को बाहर पार्क कर रहा था। क्यों? क्या क्यों जेठालाल, अगर मैं सखारम को वहीं रहता तो माधु को शक नहीं हो जाता? बबलू के पापा सोसाइटी में थोड़ी रहते हैं। लेकिन तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो, क्लब हाउस पे क्यों नहीं गए? क्लब हाउस के दरवाजे पे ताला है और चाबी तेरे पास है ना भाई, हम कैसे जाते? हाँ नहीं, चाबी मेरे पास नहीं है। तो फिर अप्रैल फुल का प्लान कैंसिल? अरे नहीं नहीं, चाबी मेरे पास नहीं मतलब चाबी अब्दुल के पास है, क्लब हाउस को लॉक करने के लिए मैंने चाबी उसको दी थी। अरे तो ये हमको बता नहीं सकता था? बताने की जरूरत ही नहीं थी जेठालाल। का अपना क्या तय हुआ था कि सबसे पहले मैं क्लब हाउस में जाके बैठूंगा, तो मैं अब्दुल के पास से चाबी लेके क्लब हाउस में जाके बैठने वाला था, तभी ये माधवी की सेल की बात आई और मैं अटक गया। अरे तो तू हमको फोन करके बता सकता था ना कि अब्दुल से चाबी ले लो और क्लब हाउस खोल के अंदर बैठ जाओ। हाँ, ये माधवी की सेल की अचानक से गुगली आ गई ना, तो मैं और मेरा दिमाग बौखला गया, मैं सोच ही नहीं पाया कि घर से बाहर में कैसे निकलूं, मैं भूल गया बताना। अरे लेकिन जब मैंने तुझे लाल बस करो ना अभी, बेटे तुम सखाराम को बाहर पार्क करो और आते वक्त अब्दुल से चाबी लेकर आओ ताकि फटाफट हम क्लब हाउस जा सके। हाँ हाँ अभी लाता। रुक 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 रुक, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? रोशन भाभी। ये रोशन भाभी इस वक्त कहाँ जा रही है? हो सकता है कोमल भाभी के घर जा रही हो। नहीं नहीं, मेरे घर पे तो नहीं गई, तो शायद अंजलि पर जाके घर जा रही हो। ये तो मेरे घर पे भी नहीं गई, और ये तो यहाँ बाहर की ओर आ रही है, भागो। क्या हुआ, यहाँ पर क्यों छुपे? अरे रोशन भाभी आ रही है। क्यों? मैनू की पता, तू तो दिखा के जाना तेनू के किसी को। भाई अब्दुल भाई, एक टूथपेस्ट दीजिए ना प्लीज। टूथपेस्ट? उस सुबह मैनू कैसे करने को, मैं भूल गया। आप मुझे फोन कर देते, मैं खुद आ जाता देने के लिए। मैंने फोन किया
लगा था अब्दुल भाई, लेकिन आपका फोन लगा ही नहीं। लगता है आज कोई नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है। ये लीजिए। थैंक यू। अरे वाह, इतना सारा नाश्ता, ये यहाँ कैसे आया? वो अब्दुल को बोल के मैंने अरेंज करवाया। अरे वाह वाह वाह, क्या हुआ भाई, तुझे क्या हुआ? क्या इतना उदास क्यों है? एक्चुअली हमारी इस झूठ की वजह से माधवी को उसकी सहेली को आने से मना करना पड़ा ना, इसलिए थोड़ा सा अजीब लग रहा है। अरे भाई, तो आज तेरे सलाह पढ़ने का लास्ट दिन थोड़ी है कि भाई वो विद्यार्थी को आज तेरी सलाह नहीं मिली तो उसका भविष्य चकना चूर के अंधकारमय हो जाएगा। हाँ, फिर भी एज ए शिक्षक थोड़ा। अरे तुम्हारे केस में तो माधवी भाभी की सहेली है, मेरे केस में तो मैं खुद अंजलि को धोखा देकर आया हूँ। अच्छा, क्या धोखा दिया? अंजलि के साथ एक रोमांटिक शाम छोड़कर आया हूँ। अरे वाह, रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर, कहाँ जाने वाले थे? नहीं नहीं, कहीं बाहर नहीं जाने वाले थे, घर पे ही क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले थे, साथ में मिलके एक रोमांटिक फिल्म देखने वाले थे, पर अंजलि मुझे बिना डाइट वाला खाना खिलाने वाली थी। जो मैं दादा, आप तो घर में रोमांटिक डिनर करने वाले थे, मेरे केस में बबीता ने एक बढ़िया रेस्टोरेंट में कैंडल लाइट डिनर बुक किया था। ओ, ओ, सिर्फ आपके लिए? हम दोनों के लिए। ओ यारो, ओ मैं भी अपनी रोशन डार्लिंग को डिनर के लिए ना बोल के आया हूँ। ओ मेरी पुरी पार्सन तो तब तक डिनर नहीं खाएगी जब तक मैं घर वापस नहीं लौट जाता। जो अरे ये तो कुछ नहीं है, मैं तो आज बहुत बड़े धर्म संकट से बचकर आया हूँ। कैसा धर्म संकट आती भाई, पेशेंट को ऑपरेशन टेबल पे छोड़ के आ गए? नहीं नहीं, पेशेंट को नहीं, टेबल पर खाना छोड़कर आया हूँ। ऑपरेशन टेबल पे? नहीं नहीं, घर के डाइनिंग टेबल पर। पता है कोमल ने आज मेरा पसंदीदा खाना बनाया था, वो छोड़कर आया हूँ। जो हाँ, हमारी पत्नियों को इन बातों के लिए ना बोलने में जरा दुख होता है, लेकिन कुछ देर बाद जब हम उन्हें अप्रैल फूल बनाएंगे और उसमें जो मजा आएगा उसके आगे दुख तो कुछ भी नहीं है। हाँ वही तो। सही बात है। हाँ बेटे भाई। अब्दुल वीडियो कॉल लाओ ले। निपड़ का बेड़ा है। अब्दुल शुरू हो जा भाई। क्या किधर? अरे मतलब हम सब क्लब हाउस पहुंच गए हैं, जैसे ही पोपटलाल सोडा पीने आएगा तुम उसको चाबी भर देना। अच्छा वैसे? हाँ हाँ भर दूंगा। पर हाँ अब्दुल, ध्यान रहे उसको बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उसको चाबी भर रहे हो। ओके बड़े भाई। और हाँ अब्दुल। हाँ बोलिए मेहता सर। एक बात और, तुम पोपटलाल को बिल्कुल मत बताना कि हम क्लब हाउस में पार्टी शार्टी कर रहे हैं। ओए मेहता साहब, ऐ की कह रहे हो तुसी? अगर पप्पू को ये नहीं पता चलेगा कि हम पार्टी का टिका कर रहे हैं तो फिर महिला मंडल आएगी कैसे? हाँ, अगर वो लोग यहाँ आएंगे नहीं तो हम अप्रैल फुल बनाएंगे किसे? हाँ। अरे अगर अब्दुल ने पोपटलाल को बता दिया कि हम क्लब हाउस में पार्टी शार्टी कर रहे हैं तो चुगली करना तो दूर, वो सीधे क्लब हाउस चलाएगा हमारे साथ पार्टी शार्टी करने, तो फिर हमारी बीवियों को कौन बताएगा? इसलिए अब्दुल तुम पोपटलाल से सिर्फ इतना कहना कि हम उसके बिना पार्टी शार्टी कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं ये मत बता। हाँ हाँ हाँ। अब्दुल तो समझा ना भाई। हाँ मैं समझ गया। लेकिन अगर आज पोपट भाई सोडा पीने नहीं आए तो? ये तो सोचा ही नहीं हमने। आगे आगे
पोपट भाई आ गए, मैं फोन रखता हूँ। आपला पोपट झाला असता। बहानों का ब्रिज पार करके हम यहाँ क्लब हाउस तक तो पहुंच गए, लेकिन असली गेम अब शुरू होने वाला है। जी हाँ, महिलाओं को अप्रैल फूल बनाने के लिए हमें सबसे पहले पोपट लाल को फूल बनाना पड़ेगा। जी हाँ, तो क्या अब्दुल पोपट लाल को पोपट बना पाएगा? क्योंकि हम अकेले पार्टी शार्टी कर रहे हैं, ये जानकर पोपट लाल को गुस्सा तो बहुत आने वाला है। अब्दुल की गुगली पर पोपट लाल जाकर करेगा महिलाओं से हमारी चुगली। उसके बाद होगा धमाल, जब महिला आएंगी तब होगा कमाल। जी हाँ, और गोकुल धाम की महिलाएं बन जाएंगी अप्रैल फूल। ऐसा होगा ना? अब ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको मजा आने वाला है फुल, क्योंकि सोमवार को आपके घर पे गिरने वाले हंसी और ठहाकों के फूल। तो हंसी और खुशी के समंदर में गोते लगाने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.